भारत हमेशा छोटे से बड़े स्कैम में अभी तक घिरता रहा है और आगे भी घिरता रहेगा शायद। तो जी हाँ गुरु लोग, मैं बात कर रहा हूँ स्कैम सीरीज के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे भारत में स्कैम होते हैं वैसे वैसे मेकर्स उनके ऊपर सीरीज और मूवीज बनाने लगते हैं। तो गुरु लोग मैं बात करूंगा स्कैम 2003 सीरीज के बारे में, क्योंकि यह सीरीज आ चुकी है और बताएंगे कि कैसी है यह सीरीज। स्कैम सीरीज अभी से नहीं, काफी लंबे वक्त से चल रही है। जब से स्कैम 1992 सीरीज रिलीज हुई है तब से मार्केट में भाई साहब स्कैम की सीरीज को टॉप नोट लोग पसंद कर रहे हैं। स्कैम 1992 सीरीज हर्षद मेहता के ऊपर थी जो कि शेयर मार्केट का किंग कहा जाता था। लेकिन गुरु लोग स्कैम 2003 सीरीज स्टैम्प पेपर के ऊपर है कि कैसे अब्दुल करीम ने नकली स्टैम्प पेपर बना बना कर भाई साहब मोटा पैसा जमा किया था। क्योंकि यह सीरीज हमको बताती है कि अब्दुल करीम ने कैसे मार्केट में फर्जी स्टैम्प पेपर का स्कैम किया था, उसने कहां कहां कितने सारे झूल किए थे, कहां से मशीन लेके आया, कहां से पेपर लेके आया और कहां से इंक लेके आया। जब मैं सीरीज को देख रहा था तो भाई साहब मैं चौंक गया, क्योंकि अब्दुल करीम ने अपना अलग ही सिस्टम बना रखा था। ऐसा समझ लो कि सरकार यहां पे है और अब्दुल करीम का सिस्टम यहां पे है, क्योंकि उसने अपने स्कैम से लोगों को पैसे देने चालू कर दिया जिससे वह अपने साम्राज्य का राजा बन गया। लेकिन इस सीरीज में मुझे एक खास बात लगी कि अब्दुल करीम अपनी बातों में लोगों को इस तरीके से फंस देता था कि भाई साहब सभी लोग मान जाते थे। इस सीरीज के मेकर्स ने 5 एपिसोड रिलीज किए हैं जो कि मैंने सभी एपिसोड देख भी लिए हैं। ऐसा समझ लो कि पर एपिसोड 45 मिनट के हैं, लेकिन भाई साहब मैं मेकर्स से नाराज हूँ, क्योंकि मेकर्स ने क्यों 10 के 10 एपिसोड क्यों रिलीज नहीं किए हैं यार, मजा किरकिरा हो जाएगा। तो आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज का दूसरा भी सीजन आने वाला है, पता नहीं कब आएगा लेकिन मैं इसका इंतजार करूंगा। पूरी सीरीज में गगन देव ने अब्दुल करीम तेलगी का भाई साहब क्या रोल निभाया है। मुझे ऐसा लगता था कभी कभी कि शायद अब्दुल करीम ही है जो इस सीरीज में काम कर रहे हैं। ऑल ओवर मैं सीरीज को देता हूँ 5 में से 5 स्टार की रेटिंग। तो डेफिनेटली गुड लोग एक बार जरूर देखना और ऐसे ही रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रिव्यू वाली वीडियो के साथ। गुड बाय।